आज प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी तो हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि राजस्थान का सबसे संवेदनशील मुद्दा किसानों का विधानसभा में प्रदर्शन, जयपुर कूच और परसों पूर्व विधायक अमराराम जी के साथ साथ पूर्व विधायक प्रेमाराम जी और 60 से ज्यादा किसान नेताओं को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि वो विधानसभा के ऊपर प्रदर्शन करके सरकार को वो समझौता याद दिलाना चाहते थे जो समझौता सरकार ने पिछली बार आंदोलन के समय उनके साथ किया था। वो मुख्यमंत्री किस तरह पर समझौता हुआ था, लिखित समझौता था, लेकिन सरकार उस समझौते से मुकर गई और 50,000 के कर्जे माफी में भी राइडर डाल दिया और सीमांत में लघु सीमांत काश्तकारों के कर्जे माफ किए जो नहीं के बराबर है, उससे राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। और इन सब मांगों को लेकर, स्वामीनाथन आयोग की मांगों को लेकर किसानों का 22 तारीख को प्रस्तावित कूच था और उस कूच को सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके किसानों पर लाठियां बांधी। ये वही सरकार है जिसने रावला गढ़साना 16 के अंदर गोलीकांड किए और 72 गुजरों को इसी वसुंधरा सरकार ने 3 से 8 के कार्यकाल के अंदर गोली का शिकार बनाया था। मैंने पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया और हम फिर बार बार इस बात को राजस्थान की विधानसभा में दोहराएंगे कि जब तक किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं होगा तब तक हम विधानसभा में भी उठाएंगे। और बाद में जो 2 प्रस्तावित रैलियां हमारी सीकर में करीब 5 से 7 लाख लोगों की रैली करेंगे और जयपुर में 10 से 15 लाख लोगों की रैलियां जल्दी करके राजस्थान की सरकार को घेरेंगे और राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ कराएंगे। मैंने विधानसभा के अंदर ये बात भी कही कि उन किसान नेताओं को तुरंत रिहा करें और किसानों का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रदर्शन है, सरकार उनको प्रदर्शन करने से नहीं रोके, नहीं तो ये पूरे राजस्थान को ठप हम लोग करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो पूरे हिंदुस्तान के किसान संगठन एक होकर इस आर पार की लड़ाई को हम लड़ेंगे।